वैसे तो साल के 12 महीने कोई न कोई व्रतीय त्योहार चलते ही रहते हैं, पर इन सभी व्रत में करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु हो, इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना के तौर पर इस व्रत को रखती हैं। सदियों से इस व्रत की रीत है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह 4 बजे सभी सुहागिन महिलाएं उस स्वर्गीय रूपी प्रसाद को ग्रहण करती हैं, जो उन्होंने बीती शाम को अपने आस पड़ोस में सभी व्रत धारण करने वाली महिलाओं को स्वर्गीय वाली थाली बांटी थी, और फिर सारा दिन पानी की एक बूंद तक अपने हलक से नीचे तब तक नहीं उतारती हैं, जब तक ये व्रत धारण करने वाली महिलाएं चांद का दीदार न कर लें। हालांकि करवा चौथ का ये व्रत इसी महीने की 20 तारीख को आ रहा है, और पिछले एक सप्ताह से बाजार में रौनक इसी व्रत को लेकर बनी हुई है। जिले के दूर दराज क्षेत्र से आई महिलाएं इन दिनों बाजार में खुलकर खरीदारी कर रही हैं। सड़क के किनारे और दुकानों के बीच महिलाओं का तांता लगा हुआ है। अच्छा लगता है, शॉपिंग करने को मिलती है, नई नई चीजें मिलती हैं, नए सूट मिलते हैं, नई चूड़ियाँ मिलती हैं, अच्छा लगता है। और कुछ आपके पति से कुछ डिमांड इस व्रत के तो? हाँ, ऑब्वियसली आप पूरा दिन हम भूखा रहेंगे, डिमांड्स तो होंगी। नए सूट्स की टाइट है, नए सूट्स की डिमांड है बस। और हम चाहते जैसे हम व्रत रखते हैं, हमारे हस्बैंड्स भी रखे हमारे लिए करने के लिए। बाकी रश है काफी बाजार में, मजा छुपता रहती है करवा चौथ बड़ी ज्यादा, क्योंकि साल बाद एक दिन होता, मर्जी बड़ा स्पेशल। क्या क्या सामान खरीदते हैं? सारा, मतलब बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, नया सूट, फैनी, नारियल, सब कुछ। आप कुछ लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे करवा चौथ के व्रत में? बड़ी अच्छे से मनाए, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के, हस्बैंड वाइफ के लिए खाना बनाए इस दिन। एक दिन रेस्ट दे दे वाइफ को। बहुत अच्छा करवा चौथ के व्रत का, सबको बड़ी खुशी से इंतजार रहता है कि कब करवा चौथ का व्रत, और वो ढेर सारी शॉपिंग करें ज़्यादा कर। आपको पता है औरतों को शॉपिंग करने की मतलब होती है कि कब हम शॉपिंग करें। हाँ जी, शॉपिंग देखिए, जो भी औरतों का सजने सबने का जो भी सामान होता है वो सारा कुछ लेती हैं वो, जैसे कि सूट्स हो गए, चूड़ियाँ वगैरह हो गई, एयरिंग्स हो गए, सब कुछ, जो भी उनका लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह सब कुछ लेती हैं वो, कुछ ज्वेलरी वगैरह की भी शॉपकीन होती है। हाँ जी। तो मैम, आप सुबह आपके लिए? नहीं, मैं तो ऐसी कोई डिमांड नहीं रखती हूँ कि अगर हम भूखा रह रहे हैं तो वो भी भूखे रहें। बस ये कि उस दिन वो हमारा थोड़ा सा हमें घुमाने फिराने ले जाएं कहीं और हमारे लिए खाना वगैरह बना दें। और लोगों में कोई संदेश देना चाहेंगे इस व्रत के त्यौहार पे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर औरत वैसे तो खुश नसीब होती है कि उसको ये व्रत रखने का मौका मिलता है, क्योंकि पति के लिए हम जितना करें उतना कम है, क्योंकि वो हम देखा जाए तो एक तरफ से वो हमारे सब कुछ हैं, शादी के बाद पति सब कुछ होते हैं, तो हमें बड़ी खुशी से ये व्रत रखना चाहिए। पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से बाजार महिलाओं से भरा पड़ा हुआ है, उसको देखते हुए दुकानदार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि इन दिनों उनकी दुकानों में खूब रौनक देखने को मिल रही है। महिलाएं इस व्रत को लेकर तरह तरह की रंग बिरंगी चूड़ियों के साथ लिपस्टिक, सुहागी, चूड़ा और व्रत से संबंधित वो सभी चीजों को खरीद रही हैं, जिसकी आने वाले व्रत के समय जरूरत पड़ती है। प्रोत्साहन तो ठीक है जी, बढ़िया, लोगों में काफी उत्साह है व्रत के लिए और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं जी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.के।